अच्छा है, ये प्लग बड़ा भारी पड़ने वाला है मेरे। और एक तो यहाँ पे इतनी डरावनी थी कि वो तो मैं दिखा भी नहीं सकता। ओके 17 एक जोक हो गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और ये हमारे कैमरामैन आज के, और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह घूमने। बहुत दिन से मैं कह रहा था कि कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आई है, तो आज हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिन बाद, कम से कम एक या दो महीने हो गए होंगे लॉन्ग वीडियो आए हुए, इसलिए बना रहा हूँ। तो चलते हैं, टेम्पो में बैठते हैं पहले। फाइनली हम लोग म्यूजियम पे पहुँच चुके हैं। तो कुछ ऐसा है म्यूजियम, और ये हमारे कैमरामैन। म्यूजियम बहुत बड़ा है, देखते हैं कितनी देर में कवर हो पाएगा, क्योंकि 4 बजे तो 4:30 बजे बंद हो जाता है। चलिए जब जो तो चलो अंदर चल के देखते हैं। चलते हैं गाइस। तो ये म्यूजियम में पहुंच चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ। शाबाश, हमें अंदर आके पता लगा कि अंदर वीडियो बनाना मना है, सिर्फ फोटो खींच सकते हैं। लेकिन हम कहाँ किसी की सुनने वाले थे, थोड़ी बहुत वीडियो हमने फिर भी बना ली। हम यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी शांति ज़रूरी है। मैं मूर्तियाँ देखूँ उतना कम है, अत से ज़्यादा यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तुम लोग देख सकते हो, वीडियो अलाउड तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हैं इन तस्वीरों को देख के, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ना, और जो चित्र हैं, और जो मूर्तियाँ हैं, वो देखने से हमें बड़ा मतलब कुछ अलग ही वो दे रही हैं वाइब सी। और एक तो यहाँ पे इतनी डरावनी थी कि वो तो मैं दिखा भी नहीं सकता। यहाँ पे एक मटका भी काफी मस्त। तो देखो, अब बाकी की तो तुम्हें जगह क्या ही दिखाऊं, इतना बड़ा म्यूजियम है कि तुम्हें इतना मैं ऐसा नहीं दिखा सकता। तुम्हें खुद यहाँ आके घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े म्यूजियम को दिखाना तो बहुत मुश्किल है एक वीडियो में या दो वीडियो में भी। तुम यहाँ खुद आके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कैसा म्यूजियम है। तो तुम खुद भी आओ, और तब तक मैं भी देख लेता हूँ कैसा म्यूजियम है, फिर उसके बाद बताते हैं प्लान आगे हमें कहाँ जाना है। तो जब हम म्यूजियम से बाहर निकल ही रहे थे, तो तभी हमारे एक नए दोस्त बन जाते हैं जो कि जर्मनी से थे। और बाकी में इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर इनसे बातें की, इनके साथ फोटो वोटो खिंचवाई, और इन्होंने भी हमारे साथ अच्छी सी मेमोरी बनाई। अब बेस्ट ऑफ लक बोला उनकी यात्रा को, और हम भी फिर वहाँ से निकल जाते हैं एक लूप में। लूप में फंस चुके हैं, क्योंकि पीछे भी ऐसा है, आगे भी ऐसा है, गेट हमें दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया, गेट का पता नहीं लगा। अब बहुत बड़ा था भाई ये, अभी इस जगह को हम लोग बाय बाय बोलते हैं। लिटरली मेरा पूरा सर घूम गया, और हमारे कैमरामैन का भी पूरा सर घूम चुका है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा है इस म्यूजियम, और लिटरली अगर आप गूगल मैप पे भी देखोगे तो बहुत बड़ा है, गोल गोल है पूरा, अंदर खोना तो आपका पक्का है। यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं जितना इस जगह पे घूमना था, लेकिन अभी लगी है भूख, तो पहले अब कुछ खाने निकलते हैं, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो चुकी है भूख की वजह से। अब यहाँ का सीन ये है कि ये 12 से 4 बजे तक खुलता है, अगर तुम्हें आना है तो तभी आना। और यहाँ से वहाँ तक ये मंडे को और संडे को, संडे को मैं पता नहीं सकता, लेकिन मंडे को ये बंद रहता है जितना मैंने सुना है। तो 12 से 4 खुला होता है, तभी आना, क्योंकि मथुरा वृंदावन के उस टाइम सभी मंदिर बंद होते हैं। तो इस टाइम अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो यहाँ आ जाना, क्योंकि घर जाने सोने से बेहतर तो इस जगह पर ही आना होगा। लिटरली खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हम भटक रहे हैं। 1 किलोमीटर अभी हमें पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो नहीं मिल रहा है हमें। तो मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा गया, ये ब्लॉग बड़ा भारी पड़ने वाला है मेरे को। ओके 17 एक जोक हो गया। हम द्वारकाधीश घूमने आ गए, और खाया कुछ है नहीं, देखते हैं राम भरोसे यहीं पे कुछ लस्सी वगैरह भी पियेंगे, भूख लगी है। वैसे तो गन्ने का जूस अभी हमने पी लिया था, पर अभी सोचना पहले दर्शन कर ले, उसके बाद ये कुछ खाएंगे। तब तक तो बस चलते रहना अभी हमें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अभी मैं दर्शन कर लूँ, बाद में बात करते हैं। तो मंदिर के दर्शन अभी हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं विश्राम घाट। भाई देखो, विश्राम घाट में तो कैमरा में शायद ही घूलूं, क्योंकि वहाँ पे जो बंदर हैं कब फोन ले जाए पता नहीं लगेगा। तो वहाँ पे थोड़ा संभल के, हमें सावधान है, संभल के बहुत चलाना पड़ेगा फोन। फिलहाल हम पहले वहीं चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं। बंदर कब फोन लेके चलाया पता नहीं लगेगा, तो ठीक से ब्लॉग यहाँ पे ध्यान से बना रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग कुछ खाने के लिए आ चुके हैं, बहुत देर बाद खाने में, आधे घंटे से चले जा रहे हैं बस हम लोग।
और अब आगे हम खाने आए, हम घूमने निकल गए खाना खाने की जगह, तो अभी खाएंगे इसके बाद हम लोग घर निकलेंगे और काफी थक चुका हूँ अभी तो मैं, तो बाद में बात करते हैं और खा लेते हैं। तो फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ और आज की हमारी वीडियो कंप्लीट यहीं पे होती है। दूध वगैरह भी ले आया और इस वीडियो को इस बार सब्सक्राइब कर लेना, काफी दिन से थोड़ा मद्दा चल रहा है मेरा दिन, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा, जो एक सब्सक्राइबर डेली मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे लगता है कहना पड़ेगा लोगों को कि सब्सक्राइब करो तो कर लेना। वैसे बाकी की वीडियो अभी एडिट हो रही हैं, वो भी आ रही हैं और ये वीडियो भी अभी आ गई। मज़े लो इस वीडियो को, कैसी लगती है कमेंट करके वीडियो बताया करो। और सॉरी यार, मैं गया तो सोच के था कि ब्लॉग अच्छा बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर परमिशन ही कुछ अलग थी तो ऐसा कुछ खास मैं वहाँ बना नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, तुम देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना।